एयर इंडिया की वैकेंसी के बारे में, जिसकी आपकी वॉक इन इंटरव्यू है, उन पोस्टों के बारे में बात करें। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, आपकी कितनी सैलरी रहेगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। कब से लेकर कब तक आवेदन कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको इस नोटिफिकेशन में जो है वो आपको देखने मिल जाएगी। पर उन सबकी बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी निकली एयर इंडिया की, जो कि आप देख सकते हैं अलायंस एयर रिक्रूटमेंट फॉर वॉकिंग इंटरव्यू फॉर दी पोस्ट DETRI SFI NCGI पोस्ट की है। उनकी सारी डिटेल आपको देखने मिल जाएंगी, जो वेरियस पोस्ट हैं उन सब के बारे में बता देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है, इसका आपका अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड की वैकेंसी है, ठीक है। कैटेगरी आप जैसे आपका डेसिनेट एग्जामिनर TRI, आपका सिंथेटिक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, आपका चीफ ग्राउंड इंस्ट्रक्टर, हेड ऑफ इंजीनियर, हेड ऑफ रेवेन्यू मैनेजमेंट, यहाँ पे DYGM PPC, AGM नेटवर्क प्लानिंग ऑफ शेड्यूल, AGM SMS, AGM QMS, ऐसा आपका सीनियर मैनेजर ट्रेड सेल्स, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजर ट्रेड सेल्स, आपका DY मैनेजर फाइनेंस, आपका सीनियर सुपरवाइजर, यहाँ पे आपकी जो वेरियस पोस्ट है यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगी, यहाँ पे प्लेस है, ठीक है। आपका सुपरवाइजर IT, वन वैकेंसी, यहाँ पे इस तरीके से आपकी पोस्ट और सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इन पे आप देख सकते हैं, ये वॉक इन इंटरव्यू है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड। बात करते हैं इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं तो फ्रेंड यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है, डेजिग्नेशन DITRI सिंथेटिक फ्लाइट आपका इंस्पेक्टर की एंड चीफ ग्राउंड इंस्ट्रक्टर की 5 जनवरी से 6 जनवरी और 21 जनवरी 2021 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेफर सेपरेट एडवर्टाइजमेंट होस्ट इंडिया वेबसाइट आपको देख रहा है airindia.in पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका नोटिफिकेशन था। आपको डेजिग्नेशन एग्जामिनेशन की आप देख सकते हैं, आपको इसके बारे में आपकी इसकी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हेड ऑफ इंजीनियर के बारे में आ रहा है, क्वालिफिकेशन BE BTEC एयरोनॉटिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवियोनिक या इक्विवेलेंट, यहाँ पे आपको इसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं मैक्सिमम एज आपकी 59 दे रखी है 1 जनवरी 2021 के अनुसार। यहाँ पे इसकी सारी जानकारी वो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। DYG आपकी GM की दे रही है, BTEC आपका एरोनॉटिकल मैकेनिकल में है, मिनिमम 15,000 का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3,000 का शुड भी सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर होना चाहिए। AGM की यहाँ पे देख सकते हैं आपका ग्रेजुएट फ्रॉम विकुना यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मैक्सिमम 12 साल का होना चाहिए, वर्क एंड एक्सपीरियंस इन एक्सटेंसिव नॉलेज एयरलाइन नेटवर्क प्लानिंग शेड्यूल का गवर्नमेंट लिसनिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, 59 एज तरीके 1 जनवरी 2021 का। AGM SMS देख सकते हैं, ग्रेजुएट फ्रॉम विकुना यूनिवर्सिटी, मिनिमम 12 साल का अनुभव मांगा गया, यहाँ पे देखते हैं 59 दे रखे हैं। AGM QMS की देख सकते हैं, ग्रेजुएट यानी विकुना यूनिवर्सिटी, 12 साल का आपका अनुभव मांगा गया है। बाकी यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे चेकआउट आप कर सकते हैं, जो वैकेंसी उनकी यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड इसकी सारे जो महत्वपूर्ण लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फ्रेंड ये आपके सुपरवाइजर की IT की आ रही है, यहाँ पे 10+2 फ्रॉम रिकुना यूनिवर्सिटी, 1 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस पर यानी एविएशन IT डिपार्टमेंट, एटलीस्ट एट इक्विवेलेंट लेवल, एक्सपीरियंस शुड बी पोस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको जानकारी है, एज लिमिट 30 रखी 1 जनवरी 2021 SC ST को यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, तो यहाँ पे आप देखते हैं जो जानकारी आ रही है तो आपका फिक्स टर्म आपका एम्प्लॉयमेंट रहेगा। बेनिफिट फी आउट टू अप्लाई के बारे में आ रहा है तो यहाँ पे आपका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट रहेगा, इसको इस एड्रेस पे आपको भेजना है तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। जो जानकारी दे सकते हैं तो यहाँ पे द एप्लीकेशन शुड रीच 15 जनवरी 2021 को, ठीक है, एड्रेस पे रिसीव आफ्टर प्रोसीजर आपको नॉट एंटरटेन किया जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे फीस की बात करें तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं 1500 रुपये आपकी फीस है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, ठीक है। न्यू दिल्ली ऑल द बेस्ट आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे आपको 1000 रुपये है SC ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेबल SC ST OBC इकोनॉमिक सेक्टर के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आपके TADA के रिमर्समेंट के कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट के बारे में आ रहा है। तो देख सकते हैं अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड की आपकी जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपको भरकर भेजना है, ठीक है। इसकी जानकारी आपको एड्रेस मैंने दिखा दिया है, तो ये आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा, पूरी जानकारी दे रखी है। यहाँ पे OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट आ रहा है, बाकी आप जानकारी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसी थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। फ्रेंड अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें, डेली आप लोगों को ऐसी
जो ये महत्वपूर्ण लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये लिंक और इसके नोटिफिकेशन का लिंक और जो आपके इसमें आपका अटैच है फॉरम को भी आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो के लिए धन्यवाद।